अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पेरिंग स्कीम की, जो कि लेटेस्ट चेंज के साथ अभी आई है और बच्चों के लिए परेशानी बनी हुई है जी। पेरिंग स्कीम तो इंशाल्लाह आप लोग इस पेरिंग स्कीम को फॉलो करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो इसमें देखेंगे कौन कौन से हमारे पास पोर्शन ऑब्जेक्टिव बनते हैं और कौन कौन से सब्जेक्टिव बनते हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव पोर्शन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट, चैप्टर वन में से टू एमसीक्यूज आएंगे हमारे पास, चैप्टर टू में से फोर, चैप्टर थ्री में से फोर, चैप्टर फोर में से फोर, चैप्टर फाइव में से वन, सिक्स में से थ्री, सेवन में से टू। तो इस तरह से टोटल जो एमसीक्यूज बनेंगे, क्वेश्चन वन होगा और इसके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो उसमें देखेंगे चैप्टर वन में से थ्री हमारे पास एमसीक्यू स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर जो टू है उसमें से नाइन शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें से आपने एट करने हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग चाहते हैं इसके बाद आप चैप्टर क्वेश्चन थ्री की बात करें, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो ब्राइटन स्टार्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का प्रेस करें, ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, नाइन्थ, टेंथ, उसके बाद पेरिंग स्कीम और ऑनलाइन लेक्चर्स, तकरीबन हाँ तमाम सब्जेक्ट्स के हम लोग अपलोड करते हैं। तो इससे स्टूडेंट आपको बहुत फायदा होगा। तो चैप्टर थ्री की बात करते हैं, उसमें से हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर फाइव में से हमारे पास जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और आपने 12 में से जो है ना 8 करने होते हैं हमने। इस तरह चैप्टर फोर की बात करें, उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 की 4, 7 के 5, 13 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपने 9 करने हैं। तो अब बात होगी लॉन्ग क्वेश्चनों की, 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि कौन कौन से एक्सरसाइजों में से आएंगे, ये अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि कौन कौन से जो एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट है। गेस्ट पेपर इसके अपलोड मैंने कर दिए चैनल पे, आप लोग उसको भी विजिट कीजिएगा। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर वन की बात करेंगे, उसमें से हमारे पास एक शॉर्ट आएगा ए पार्ट, और बी पार्ट उसका चैप्टर टू में से आएगा, ए पार्ट 5 का होगा और बी पार्ट भी 5 का होगा। इस तरह 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होगा हमारे पास। इसमें 6 की बात करें, 3.1 में से और उससे लेकर 3.5 एक्सरसाइज तक, और इधर से 4.1 से 4.5 के, मतलब थर्ड वाले की पहली 5 एक्सरसाइज और फोर्थ वाले की पहली 3 एक्सरसाइजों का पेयर बनेगा। ए पार्ट इसमें से आएगा और बी पार्ट इसमें से आएगा। इस तरह 10 का आ जाएगा। आगे 7 चैप्टर जो होगा वो थर्ड चैप्टर की 3 से 6 से लेकर 8 तक वाली एक्सरसाइजों में, और इधर से 5वां चैप्टर इसके साथ होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद आप लोगों ने बी पार्ट करना है, तो आपने 4.1, 4.4 और इधर से आपने 4.5 करनी है। ए पार्ट 6.1 और 6.3 तक आपने करना है। आगे क्वेश्चन ये आएगा, ये 6.4 और 6 से लेकर 6.9 तक, और इधर से 7 चैप्टर करना। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि पेयर जो सबसे आसान है ना, वो आपने फर्स्ट चैप्टर कर लेना है, सेकंड कर लेना है, थर्ड की आपने सिर्फ ये वाली थर्ड कर लेना है, और फिफ्थ कर लेना है, इसके साथ फोर्थ की ये वाली एक्सरसाइजें करके बाकी आप लोग जो है ना, ये मेरी सुजेशन है, बाकी आप लोग जो उनसे मर्जी कर सकते हैं। लेकिन जो पेयर आप पेयरिंग के अलावा, पेयर के अलावा जो आप लोग सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए आपने मॉडल पेपर देखें, गैस पेपर देखें, इसमें जितने अहम क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग है, उनको भी अच्छी तरह प्रिपेयर कर लिए, ताकि अगर कोई मसला बन जाए तो हम लोग उसको जो है ना यूज़ कर सकें। तो स्टूडेंट हमारे इस चैनल को, ये वीडियो जो है अपने स्टूडेंटों तक शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो।